रेडी लेडीज। क्या आपको लगता है इन सब चीजों की जरूरत है ऑफिसर? मिस्टर एजेंट, हम सिर्फ कॉन्वेंट जाना चाहते हैं। देखो लेडीज, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे समझाओ, तुमने अल्टरनेट रूट क्यों लिया? कुछ नहीं कहना। तुम जानते हो मैं तुम्हारी कार को अच्छे से चेक करूंगा। मिस्टर एजेंट, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वो क्या है ना कि बहुत देर हो गई है और हम इनोसेंट हैं। मैं ये मौका छोड़ने वाला नहीं हूं। देखो लेडीज, मैं ये जानता हूं कि तुम इनोसेंट नंस हो, लेकिन बात यह है कि वो मेरे सीनियर हैं। मैं तुमसे कोऑपरेट नहीं कर सकता। मुझे पता है आप हमारी मदद कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है? नथिंग ऑफिसर, देखा ना आपको, हमारी गाड़ी में कुछ नहीं मिला। देखो तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, तो मुझे ये समझाओ तुमने ये मेकअप क्यों लगा रखा है। देखो तुम दोनों, देखो नेल्स बने हुए हैं, बताओ क्यों? इट्स ओके, हम पकड़े गए हैं ऑफिसर, लेकिन क्या कहते हो अगर हम इस सारे सिचुएशन को एक बेहतर तरीके से फिक्स करें? That's right, Mr. Officer. वहाँ हमारे पास आप दोनों के लिए काफी पैसे हैं। हाँ, देखो मुझे पैसा पसंद नहीं है, मुझे कुछ और पसंद है। क्या प्रॉब्लम है? Easy, Mr. Agent, क्यों ना हम गाड़ी के पीछे चलें, सिर्फ तुम और मैं? मुझे वो पसंद है। बहुत अच्छा डेविड, फायदा उठाओ, कम ऑन डू इट। ओह मिस्टर ऑफिसर, आई लाइक यू। इस बारे में सोचिए, हम सब जीतते रहेंगे। देखो लेडी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं अपने सीनियर के जैसा नहीं हूं। बेब, इसे उतारो। काम डाउन मिस्टर एजेंट, काम डाउन, लेट्स गेट कैरीड अवे। लेकिन इसे उतारो बेबी। रियली? मुझे बताओ कैसे। लेट्स प्ले अ गेम। अपनी आंखें बंद करो और जब तुम उन्हें खोलोगे, आई विल बी नेकेड। अभी सच है कि मैं तुम्हारे सामने कुछ कबूल करने जा रहा हूँ। मेरी फैंटेसी है तुम्हारे जैसी नन के साथ रहने की, तुम्हारे जैसी नन के साथ। और पता है मेरी फैंटेसी क्या है? एक एजेंट को हथकड़ियां लगाना। What's wrong with you? ये खेल का हिस्सा नहीं होगा, है ना? क्या तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे प्लान्स को बर्बाद कर दोगे? नहीं, मुझे जाने दो। तुम्हें पता है क्या, देखो कुछ और इंतजाम करते हैं। मुझे कुछ पैसे दे दो प्लीज, मुझे जाने दो। मुझे इस बारे में सोचने दो, मैं आती हूँ, हिलना मत। मुझे जाने दो। क्या मुझे आपसे एक मदद मिल सकती है? ठीक है मिस, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। इसने भी सोचा कि हमारा प्लान खराब कर देगा। गर्ल, तुमने बहुत अच्छा किया माय फ्रेंड। इसे कार में डालो, जल्दी, अभी।
मिस, चलो एक डील करते हैं। मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा, प्लीज मेरी बात सुनो। तुमने इसे देखा? वो बेकार है। तुम दोनों बिल्कुल बेकार हो। मेरी जान पहचान काफी हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर से है, लेकिन तुम दोनों तो सिर्फ प्यादे हो। मैंने अभी तुम्हें कोऑर्डिनेट्स भेजे हैं, कुछ गलत नहीं हो सकता। तुम्हें पता है हमें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी है। गुड बाय। उठो। और तुम यहीं रहो। तुम कर क्या रही हो? तुम एक धोखेबाज हो। याद रखना, मैं एक बहुत ही पावरफुल औरत हूं। मैं ऑफिसर दुके हूं। ये प्लान मुझे रीअरेंज करना पड़ा, और थैंक्स टू ऑफिसर डेविड, उन्होंने मेरी मदद की। और तुम्हारा मतलब है तुम पावरफुल हो, क्योंकि देखो तुम कहां पर हो आज। वेल डेविड, खोलो मुझे, तुम बेकार हो। शट अप। अगर तुम्हारे हाथ में होता तो ये प्लान बर्बाद हो जाता। तुमने इस अपराधी को जाने दिया होता। तुम एक भ्रष्ट पुलिसमैन हो। तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हो, और तुम्हें उसके लिए भुगतना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मैं, मुझे अपने पुलिस का काम अच्छे से करने के लिए वो लोग रिवार्ड देंगे। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, प्रोसीड। ले चलो इसे। कंग्रेचुलेशंस ऑफिसर डेविड। याद रखिए, अच्छी चीजें सिर्फ अच्छे लोगों के साथ होती हैं। सच मुझे एजेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आपके साथ काम करना और आपकी मदद करने में सक्षम होना सम्मान की बात है। मुझे आशा है कि आप मुझ पर हमेशा भरोसा करोगे। बहुत बढ़िया। जो लोग गलत करते हैं उन्हें हमेशा वैसे ही गलत भुगतना पड़ता है, भले ही वो मानते हों कि कोई भी उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। ईमानदार, धार्मिक और अच्छे सिद्धांतों के प्रति वफादार रहें, क्योंकि इससे तुम्हें हमेशा ईश्वर के सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त होंगे।